आज के क्लास में आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो दवा है उसको लेने का जो तरीका है वो कितने प्रकार के है। तो आप जान जाइए, मुख्य द्वार से ले सकते हैं, उस दवा को सुइयां के माध्यम से चमड़े के अंदर भी ले सकते हैं, चमड़े के अंदर सुई के माध्यम से लेंगे और इसकी सुई इसीलिए बनाई जाती है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक और दो बात तो जान लें, ऊपर से ऑइंटमेंट के रूप में भी आप लगा सकते हैं, इसको पानी में डाल करके टूस भी कर सकते हैं, इसको जो है ऊपरी चमड़े को इस औषधि को मिला करके आंसू जल वगैरह में धो भी सकते हैं। यानी कि आपको खाने के लिए मुख द्वार के माध्यम से, चमड़े पर लगाने के लिए क्रीम के माध्यम से आंसू जल में भिगो करके मेडिसिन को धोने के माध्यम से या सूर्या के माध्यम से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि इसकी दवा चलाने का सिद्धांत क्या है, तो हम रोग के विपरीत इसका दवा चलाते हैं, रोग के विपरीत दवा चला करके ही और आरोग्य प्रदान करते हैं। यही सिद्धांत पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस की जाती है और तब आप सफल चिकित्सक बन पाएंगे। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। अभी तो मैं फार्मेसी के सिद्धांत को भी बता रहा हूँ, आपको फार्मेसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन आगे धीरे धीरे एक एक प्लांट्स पर, एक एक प्लांट्स के गुणधर्म पर मैं बताऊंगा किस रोग में किस तरीके की प्लांट्स क्या काम करती है। चूंकि अभी चैप्टर जो चल रहा है ये अभी आपको पहला चैप्टर में ही सारा कुछ निहित है, मैं चाहता हूं कि जब आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पढ़ के निकले तो आप सबको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बाजार में दवा मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप दवा स्वयं निर्माण कर लेंगे और स्वयं दवा निर्माण करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे और लोगों की सेवा कर पाएंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।